नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। मिशन वंदे भारत के तहत लंदन में फंसे भारतीयों को लाया गया वापस भारत। केंद्र सरकार ने कोविड 19 के इस माहौल में दूसरे राज्य में फंसे सभी प्रवासियों को उनके राज्य में पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही सरकार ने दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को भी वापस बुलाने की मुहिम को तेज किया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित किए गए मिशन वंदे भारत के तहत बीते दिन लंदन से कई भारतीयों को वापस लाया गया। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से शनिवार को 329 यात्रियों के साथ निकला एयर इंडिया का विमान सुबह करीब 4 बजे मुंबई पहुंचा। अपनी जमीन पर पहुंचकर यात्रियों के चेहरे पर सुकून था तो कुछ काफी ज्यादा भावुक भी नजर आ रहे थे। खबरों की माने तो पिछले 24 घंटे में 800 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हुई है। वहीं मालदीव के 698 लोगों की वापसी को लेकर आए विमान कोची पहुंच चुकी है। कोविड 19 से निपटने के लिए 10 राज्यों में केंद्रीय टीमों को किया गया तैनात। कोविड 19 ने पूरे भारत को अपनी चपेट में ले रखा है। वहीं इसके तहत भारत सरकार दिन रात स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर इसके रोकथाम की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कोविड 19 से बचाव के लिए बंद का ऐलान जारी कर रखा है। हालांकि इसके बावजूद कोविड 19 के मामलों में तेजी से इजाफा होता दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में कोविड 19 काफी तेजी से फैल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए अब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों में केंद्रीय टीमों को तैनात करने का फैसला किया है, जहां पर कोविड 19 के मामले में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी और एक्सपर्ट शामिल हैं। खबरों की माने तो इन टीम का गठन कोविड 19 प्रभावित इलाकों में नजर बनाए रखना होगा, साथ ही इनके रोकथाम के लिए तमाम तरह के प्रयासों को भी करवाना होगा। आरोग्य सेतु ऐप की मदद से सरकार को 300 उभरते हॉटस्पॉट की मिली जानकारी। कोविड 19 के मरीजों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए आरोग्य सेतु सेवा का लाभ दिखने लगा है। इसकी मदद से अधिकारियों को देश भर में 650 हॉटस्पॉट और 300 इमर्जिंग हॉटस्पॉट का पता चला है, जो इस ऐप के बिना कहीं पीछे छूट सकते थे और जिससे संक्रमण और तेजी से फैल सकता था। 2 अप्रैल को लॉन्च किए जाने के बाद आरोग्य सेवा ऐप पर 9.6 करोड़ लोगों ने पंजीकरण किया है, जो विश्व स्तर पर 5 करोड़ और उपयोगकर्ताओं तक सबसे तेज पहुंचने वाला मोबाइल ऐप बन गया है। वहीं जानकारों की माने तो जल्द ही 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस ऐप का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिन आम नागरिकों से आरोग्य सेतु सेवा के इस्तेमाल करने की अपील की थी, जिसके बाद कई लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और इसके इस्तेमाल कर रहे हैं। ICMR 75 जिलों पर नजर रख कम्युनिटी ट्रांसमिशन का पता लगाएगा। भारत में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दिन प्रतिदिन 3000 से ज्यादा मामलों को देखते हुए ICMR एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका जता रहा है, जिसके बाद ICMR ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 75 जिलों में स्टडी शुरू करवाने की योजना बनाई है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि कहीं इन जिलों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं हो गया है। क्योंकि कोविड 19 के संक्रमण के मामले जिन 75 जिलों में बढ़ रहे हैं, रेड जोन का हिस्सा है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, आगरा, अहमदाबाद, ठाणे जैसे क्षेत्र शामिल है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1100 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोविड 19 संक्रमित मरीजों की संख्या 20,000 को पार कर चुकी है, जबकि 700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली और गुजरात में भी कोविड 19 प्रभावितों की संख्या 7,000 तक पहुंचने वाली है, जिसने स्वास्थ्य मंत्रालय की परेशानी बढ़ा दी है, साथ ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन की संभावना को भी तेज कर दिया है। कोविड 19 प्रभावित राज्यों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है सरकार के लिए चिंताजनक। भारत में कोविड 19 का प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं प्रभावित राज्यों में सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है, क्योंकि यहां पर 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं, जो पूरे भारत में प्रभावित इलाकों का 33% है। जिसके तहत BMC अधिकारियों ने बताया कि मुंबई के धारावी में 5 ऐसे लोगों की जान गई है, जिन्हें कोविड 19 संक्रमण से उबरने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। इन लोगों ने हॉस्पिटल में अपना 14 दिन का क्वारंटाइन का समय 1 महीने पहले ही पूरा कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पुलिस भी काफी ज्यादा कोविड 19 से परेशान हो रही है। खबरों की माने तो पूरे राज्य में 714 पुलिसकर्मी कोविड 19 से प्रभावित है, जिनमें से 61 अब तक ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 648 पुलिसकर्मी कोविड 19 संक्रमित बताए गए हैं, जिसमें से 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। कोविड 19 के इस माहौल में बढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। देशभर में कोविड 19 से जान गंवाने वालों की संख्या 2000 के करीब पहुंच गई है। वहीं संक्रमण के मामले 62,000 के करीब पहुंचे हैं। देश पिछले 50 दिनों में कोविड 19 के खिलाफ खड़ा है। देश के लोगों को कोविड 19 के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति भी काफी ज्यादा पसंद आ रही है, और यह कारण है कि कोविड 19 के इस माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, जिसका खुलासा एक मीडिया हाउस द्वारा किए गए सर्वे में हुआ है। मीडिया हाउस की माने तो यह सर्वे देश के 6 मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में किया गया है। यह सर्वे में एक सवाल पूछा गया था कि क्या देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड 19 के खिलाफ उठाए गए कदमों से संतुष्ट है। इसमें 6 शहर से 100 लोगों के जवाब मिले हैं। इनमें कोविड 19 को नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों को खूब सराहा है, जिसके तहत मोदी सरकार को कुल मिलाकर 71% रेटिंग मिली है। वहीं मुख्यमंत्री के सर्वे में सबसे ऊपर केजरीवाल का नाम देखने को मिला है। नितिन गडकरी ने खुदरा विक्रेताओं से कोविड 19 के साथ जीने की दी नसीहत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिन खुदरा विक्रेताओं को कोविड 19 के साथ जीने की कला सीखने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में लघु एवं मध्यम उद्योग को MSME का दर्जा देने की उनकी मांग पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने उठाएंगे। गडकरी का कहना है कि वर्तमान स्थिति में एक तरह से आशीर्वाद और उद्योग जगत की विशेषज्ञता को उन्नत करने का अवसर है। खुदरा विक्रेताओं को कोविड 19 के साथ जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए।
क्योंकि कोविड-19 आर्थिक रूप से भी हमारी एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी गुणवत्ता और कीमत महत्व रखती है। राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड पर उठाए सवाल। कोविड-19 के जारी जद्दोजहद में केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड का उद्घाटन किया था, जिसमें उन्होंने सभी आम नागरिकों से साथ ही सक्षम लोगों से पीएम केयर्स फंड में दान देने की अपील की थी, जिस पर अब राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पीएम केयर्स फंड में बहुत सारा पैसा आया है जिसकी ऑडिट होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि कोविड-19 के इस माहौल से निपटने के मकसद से बने पीएम केयर्स फंड का ऑडिट सुनिश्चित करें, ताकि सरकार के पास जनता के पैसे का स्पष्टीकरण हो सके। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अगर अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है तो सरकार को बड़े आर्थिक सहायता पैकेज को जारी करना होगा, उसके बिना यह संभव नहीं होगा। कैलाश मानसरोवर लिंक रोड पर नेपाल सरकार ने भारत से मांगे जवाब। भारत के कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड के उद्घाटन को लेकर नेपाल सरकार ने भारत सरकार का विरोध किया है, जिसके तहत नेपाल सरकार ने उद्घाटन का विरोध करते हुए सरकार पर टिप्पणी की थी, जिसके जवाब में अब भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिथौरागढ़ का हिस्सा पूरी तरह से भारत का हिस्सा है, यह सड़क भारतीय क्षेत्र में ही बनी हुई है, इससे नेपाल सरकार को क्या परेशानी हो रही यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने हाल ही में जिस रोड का उद्घाटन किया है वह पूरी तरह से भारत का क्षेत्र है। कैलाश मानसरोवर यात्री तीर्थ यात्रा के लिए पहले से इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सीमावर्ती गांव और सुरक्षा बलों को कनेक्टिविटी देने के लिए कैलाश मानसरोवर रोड के लिपुलेख दर्रे को जोड़ा है, जिसके बाद अब तीर्थयात्री 3 हफ्ते की यात्रा की जगह सिर्फ 1 हफ्ते में ही अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। भारत में कोविड-19 टेस्ट की उत्पादकता बढ़ी। कोविड-19 के इस माहौल में भारत को आत्मनिर्भर बनने में काफी ज्यादा सहायता मिली है, और यही कारण है कि भारत में अब कोविड-19 टेस्ट किट का उत्पादन स्वयं किया जा रहा है। पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने अपनी कोविड-19 के निर्माण में हर रोज 20,000 यूनिट से बढ़ाकर 2,00,000 यूनिट्स तक कर दिया है, जिसके तहत अब तक 6.5 लाख किट की आपूर्ति की जा चुकी है। कंपनी ने देश में कुल 140 लैब और अस्पतालों को इस जांच किट की आपूर्ति की है, जिसके तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला ने कहा है कि माई लैब के साथ मिलकर कोविड-19 के टेस्ट किट के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की उनकी कोशिश से वे बहुत ज्यादा खुश हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान ने RT-PCR किट के मैन्युफैक्चरिंग को 20,000 यूनिट से बढ़ाकर 2,00,000 कर दिया है, इससे अब भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्ट की जा सकेगी। 12 मई को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर में जारी कोविड-19 की जद्दोजहद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सभी राज्यों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसका आयोजन 12 मई को करवाया जाएगा। खबरों की माने तो इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बाहर निकलने के अगले चरण पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टॉप एजेंडा भी इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने का होगा, जिसके तहत वह सभी मुख्यमंत्रियों के किन क्षेत्रों में छूट देनी चाहिए इस बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बीच सभी सरकारी और हफ्ते में 3 दिन निजी कार्यालयों को वापस से खोलने का फैसला कितना सही है कितना नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।